Yes, today we'll discuss about the anatomy of anterior abdominal wall. This is the diagram of anterior abdominal wall. This is diaphoid passage. This is costal margin. It is pubic symphysis, pubic crest, and here is pubic tubercle. This is pubic tubercle. And this is anterior superior iliac spine. Anterior superior iliac spine. From anterior superior iliac spine to pubic tubercle, this is inguinal ligament. This ligament is inguinal ligament. This is position of the diaphragm. This is anterior abdominal wall here, between this area and this part, in mid line. There is a groove, or small style of furrow, or groove. This groove is known as, kya bolte hai isko? This is linea alba. This is linea alba. इसी लीनिया अल्बा में आप देखिए ये इसका अपर एंड है दिस इज लोअर एंड दिस इज मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लीनिया अल्बा जस्ट बिलो दिस मिडिल पॉइंट हियर इज अम्ब्लाइकस दिस इज अम्ब्लाइकस अम्ब्लाइकस का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पर एनाटॉमिकली देखें तो यहां इन रेफरेंस टू वीनस एंड लिम्फैटिक ड्रेनेज दिस अम्ब्लाइकस और हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू अम्ब्लाइकस और लेवल ऑफ द अम्ब्लाइकस एक्ट्स एज वाटरशेड लाइन की तरह काम करेगा वाटरशेड आपने देखा है तीन सेट ऐसे होते हैं अगर बरसात हो रही है वाटर सेट ऐसे अगर पानी बरस रहा है ऐसे तो ये वाटर सेट है ये पॉइंट है ना यहां ये अम्ब्लाइकस का लेवल है तो इधर का इधर जाएगा इधर का इधर जाएगा कहने का मतलब लिम्फैटिक ड्रेनेज इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा इसके ऊपर वाला यहां जाएगा इसके नीचे वाला जाएगा ठीक है तो इसलिए ये काम करता कैसे दिस अम्ब्लाइकस लेवल एक्ट्स एज वाटर शेड लाइन फॉर लिम्फैटिक एंड वीनस ड्रेनेज लिम्फैटिक और वीनस ड्रेनेज दोनों के लिए वाटर शेड लाइन की तरह काम करता है क्लियर और भी एक चीज इसके रिलेशन में और है कि ये इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर पोर्टल वेन सिस्टमिक वेन से एनास्टोमोस करती है पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस हियर है ना पोर्टल वेन हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समय फिर एक बार डिस्कस करेंगे लेकिन अभी ये जानते रहिए कि दिस इज इंपॉर्टेंट साइड कार पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस और पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस होने से अगर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हियर वेन्स बिकम डायलेटेड अगर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड सिस्टमिक वेन के थ्रू ज्यादा फ्लो करेगा तो पोर्टल हियर द वेन अराउंड द अम्ब्लाइकस बिकम प्रोमिनेंट है ना दिस कंडीशन इज नोन एज कैपट मेडुसी दिस इज कैपट मेडुसी तो कैपट मेडुसी हो जाता है किस केस में इन केस ऑफ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन
क्यों? क्योंकि यहां पर पोर्टल और सिस्टमिक वेन मिलती है ना, स्मोज करती है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ब्लड फ्लो इधर से ज्यादा होगा, इसलिए वेन डायलेट कर जाएगी, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, ये लोअर पार्ट अगर हम देखें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, तो इस लोअर पार्ट में एक बड़ी क्षमता है, या पूरे एब्डोमिनल एंटीरियर वॉल में देखिए, आप जितना खाते जाएं है ना उतना फैलता जाता है, है ना, पेट कितना भी हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर बचा लेते हैं, होता ही नहीं, तो इसमें एक टेंडेंसी होती है कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन किस लेवल तक, लेवल तक देखिए, इनकेस ऑफ प्रेगनेंसी है ना, या एसआईटिस हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए एब्डोमिनल कैविटी में, या कोई बड़ा सा ट्यूमर हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मोस्टली लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इस पार्ट में क्या होती है, अंड्यू स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना, एक लिमिट तक तो फैलता है लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो आप देखेंगे कई पेशेंट में यहां पर व्हाइट स्ट्रीक्स प्रेजेंट है ना, ये क्या कहते हैं इसको, दिस इज लीनियर एलवी केस, दिस लीनियर एलवी केस, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ही है जहां पर हम जब एब्डोमिनल की सर्जरी करते हैं तो इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे, ओपन करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी, है ना। तो इंसिजन हर्निया, तमाम हर्निया यहां पर होंगे, है ना, यहां पर इंग्वाइनल लिगामेंट इसी के लेसन बनता है, इंग्वाइनल कैनाल होती है, इंग्वाइनल हर्निया होगी, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा स्किन, दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्किन, स्किन में हमने ये देखा है ना लीनियर एल्बा और एम्ब्लाइकस, एम्ब्लाइकस का वैसे और भी इम्यूनोलॉजिकल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि यहां पर फिस्टुला बनता है, फीकल फिस्टुला, वेटलो इंटेस्टाइनल डक्ट यहां पर मिलती है, है ना, कई बार वो पेटेंट हो जाती है, कई बार इसमें ट्यूमर हो जाते हैं, रस्पबेरी ट्यूमर, ठीक है, फीकल फिस्टुला हो जाता है, यूरेकस भी यहां तक आता है, और कई बार होता है कि लोअर पार्ट ऑफ दिस पार्ट है ना, ये दोनों हाफ इसके फ्यूज नहीं करते हैं, अगर फ्यूज नहीं करेंगे तो यहां पर ब्लैडर है तो एक्टोपिया बेसाइटी हो जाएगा, तो ब्लैडर ओपन दिखेगा, है ना, जब फ्यूज नहीं किया तो यहां पर ब्लैडर होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिया बेसाइटी, है ना। कई बार इंटेस्टाइनल लूप हर्निएट कर जाते हैं, यहां पर यहां ओपनिंग है, इंटेस्टाइन पूरी पूरी हर्निएट करेंगे, दैट इज नोन एज इक्सोमफेलास, सो दीज आर क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड विद द एम्ब्लाइकस, है ना, ये सब चीजें एम्ब्लाइकस से रिलेटेड। नाउ आफ्टर स्किन, स्किन अगर हम हटाते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, अब इसके हटाने के बाद मैं देखता हूं सुपरफिशियल फेशिया क्या है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये हाफ साइड हमने बनाया है ना, तो ये है सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया भी आप देखेंगे इसके हटा दिया है, तो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हैज टू लेयर्स, इसके दो लेयर्स हैं, कौन कौन से, बाहर फैटी लेयर होगा, आउटर इज फैटी एंड इनर इज मेम्ब्रेनस लेयर। इसी चीज को अगर हम लैटरल व्यू में देखें तो लैटरल व्यू में ऐसे लिखेगा,
दिस इज लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस के ऊपर के लेवल है। दिस इज स्किन एंड डीप टू स्किन देयर इज फैट, दिस इज फैट, दिस इज फैट लेवल। इसका नाम है फेशिया कैंपा। दिस फैटी लेयर फॉर्म फेशिया कैंपा। दिस फैटी लेयर इज एब्सेंट इन द पेनिस, इन पेनिस दिस फैटी लेयर इज एब्सेंट एंड इन स्क्रोटम दिस फैटी लेयर इज रिप्लेस्ड बाय डॉटस मसल, बाय डॉटस मसल। Deep to this fatty layer, there is another layer of superficial fascia, that is membranous layer. This is membranous layer. This is membranous layer. This membranous layer is known as fascia of scalp. So outer fatty layer or inner layer is fascia scarpa or membranous layer. This membranous layer extends the penis. And it's scrotum. Scrotum. It is merged here in perineum, it merged with the pollice fascia. Here is formed the pollice fascia. Pollice fascia. Mostly here is membrane, this is perineal membrane. And here is position of urethra. In case of rupture of urethra, when urethra rupture हो जाता है due to accident, then urine extravasate, तो urine कहां होगी, यहां ना आकर के यहां से पूरा फैल जाएगी अंदर, है कि नहीं, और urine यहां से कहीं और फैल के ना जाए, इसके लिए नेचर ने व्यवस्था की है। Level of the umbilicus. Here is this is attachment of membranous layer. This is inguinal ligament. Here is inguinal ligament. It passes below the inguinal ligament and attached with the pubic tubercle here. Here is pubic arch and this is perineal membrane. This is perineal membrane. Here are two openings. Here this is margin of cut margin of the penis, and here is margin of scrotum. ये anterior view है। ये अगर ये rupture होता है तो सारा fluid यहाँ इकट्ठा होगा। लेकिन ये margin है जहाँ पर membrane attached हो रही है। इस margin को cross करके नहीं जा सकता। है कि नहीं? और ये देखिए अगर हम यही बना दें, अगर लोअर लिम बनाते हैं, आगे आप पढ़ें, दिस इज लोअर, ये लोअर लिम, तो दिस इज होल्डर्स लाइन, इस लाइन का नाम है होल्डर्स लाइन, दिस इज होल्डर्स लाइन। हियर दिस मेम्ब्रेनस लेयर फ्यूज विथ डीप फेशिया ऑफ थाई, डीप फेशिया ऑफ थाई, उसका नाम है फेशिया लाटा। थाई की फेशिया से ये फ्यूज कर जाती है, इसीलिए ये यहां का फ्लूइड नीचे नहीं जा सकता है ना, यहां का फ्लूइड इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा बैसेटेड यूरिन कैन नॉट पास इनटू स्टियोरेक्टल फोसा,
कैन नॉट पास टू थाई ड्यू टू गर्डल लाइन ड्यू टू अटैचमेंट विद द प्यूबिक आर्च एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना. तो दिस इज अटैचमेंट ऑफ द इसका अटैचमेंट है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फिशिया समझ रही. नाउ अंदर से व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल फिशिया. इस सुपरफिशियल फिशिया में क्या क्या होंगे. सुपरफिशियल फिशिया में क्या होंगे. नर्व वेसल्स नर्व एंड वेसल्स. तो इस डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से नर्व है कौन कौन से वेसल्स. ये इस एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच ऑफ जिसे एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच ऑफ T7 जो थोरेसिक जो इंटरकॉस्टल जो नर्व थी वही यहां आगे जा रही है. आपने पढ़ा है थोरेसिक रीजन में इंटरकॉस्टल नर्व यहां से आकर के आगे जाकर एंटीरियर कुटेनियस बनाती है लेटरल साइड में लेटरल कुटेनियस. तो यही पूरा एंटीरियर डोर वॉल में भी है. तो ये है T7 है ना. इसके बाद फिर T8 T9 T10 ध्यान दीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मत भूलिएगा वो है T10 लेवल. किसका लेवल है. अम्ब्लाइकस का लेवल. एक चीज और आपको बता दें अम्ब्लाइकस अगर वर्टिब्रा के लेसर में देखा जाए तो दिस लाइज बिटवीन L3 एंड L4 वर्टिब्रा L3 एंड L4 वर्टिब्रा है ना. तो ये लैंडमार्क याद रखिएगा वर्टिब्रा का रिलेशन देखिए तो L3 और L4 के बीच जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसके लेवल पर होता है ठीक है. और इसकी नर्व सप्लाई T10 इसके नीचे फिर T11 देन सब पास्कल देन T12 देन इलियो हाइपोगैस्ट्रिक दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक देन इलियो इंग्वाइनल इलियो इंग्वाइनल रूट वैल्यू ऑफ दिस यल्वा रूट वैल्यू ठीक है. तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देखिए ये नर्व सप्लाई कुटेनियस नर्व है और लेटली लेटर साइड में हियर इज T10 एंड T11 सॉरी T11 एंड T12 T10 एंड T11 T10 एंड T11 दिस इज T10 एंड T11 दिस लेटरल लेटरल कुटेनियस ब्रांच. तो ये हुई एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच ये हुई लेटरल कुटेनियस ब्रांच है ना. इट गिव्स सप्लाई टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये नर्व सप्लाई हो गई. नाउ वेसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन कौन सी वेसल्स हैं जिसको डिफाइड प्रोसेस. दिस इज कॉस्टल मार्जिन क्यूबिक ट्यूबरकल क्यूबिक क्रेस्ट एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर हाफ साइड. जहां आपने थोरेसिक रीजन में एक आर्टरी पढ़ी कौन सी आर्टरी इंटरनल थोरेसिक दिस इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. इसी आर्टरी ने यहां पर टर्मिनल ब्रांच दिया है कौन सी मस्कुलोफ्रेनिक एंड सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक दिस इज सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक दिस इज मस्कुलोफ्रेनिक ठीक है. और अब आइए कुछ नीचे ये है ब्लाइकस का लेवल. यहां पर एक आर्टरी है इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक दिस इज ए ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड कर जाएगा दो में कॉमन इलियक में फिर कॉमन इलियक फिर डिवाइड करती है
एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक में, है ना। तो दिस इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक, और यही एक्सटर्नल इलियक आगे इनवाइन लिगामेंट जो क्रॉस करता है नीचे आता है, इसका नाम हो जाता है फीमर हड्डी, है ना। तो ये जहां इसके ऊपर निकल रही है इसका मतलब एक्सटर्नल इलियक से निकल रही है, दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब यहां पर फीमर आर्टरी आ जाएगी, है ना, जिसकी ब्रांच यहां पर फीमर आर्टरी होगी। फीमर आर्टरी से भी ब्रांच आ रही है, इसकी तीन ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, दिस इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडम, दिस इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडम एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ठीक है। या थ्री ब्रांचेस अब द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी के तीन ब्रांचेस यहां निकल रही हैं जो कि ऊपर जा रही हैं और सप्लाई कर रही है एंटीरियर एब्डोमेनल। कौन कौन सी है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, फिर सुपीरियर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडम, फिर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ठीक है। एक डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक भी होगा, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक यहां जा रही है, दिस डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक की जो ब्रांच आ, फिर किसकी ब्रांच हो जाएगी? एक्सटर्नल इलियक। देखिए ये दोनों इनवाइन लिगामेंट के ऊपर से निकल रही है, कौन कौन सी? इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड दिस इज डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक, है कि नहीं? ये सुपरफिशियल यहां से हो गया, ये डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल इसकी ब्रांच हुई, ये ब्रांच आर फीमोरल आर्टरी, और डीप इसकी ब्रांच हुई एक्सटर्नल इलियक। तो एक्सटर्नल इलियक की डीप ब्रांच है एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। और लैटरल साइड में ऐसे ही 10th 11th के इंटरकॉस्टल स्पेस की पोस्ट या इंटरकॉस्टल आर्टरी की सप्लाई ऑन लैटरल साइड, है ना। तो लैटरल कुटेनियस ब्रांच हो जाती है, लैटरल कुटेनियस ब्रांच और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है। नाउ वीनस डैमेज, सेम इसी नाम की वेन भी है, बस आर्टरी की जगह वेन बोलते जाइए, क्या है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ये है मस्कुलोफ्रेनिक वेन, और ये क्या है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, ये है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, है ना। और ये क्या है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, ऑल थ्री वेन, ये तीनों कहां ओपन करेंगी? इसको फीमोरल वेन में, बट डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगी, है ना। इट ओपन्स इनटू ग्रेट सेफनेस वेन, ये ग्रेट सेफनेस वेन में ओपन करेंगी, देन ग्रेट सेफनेस वेन ओपन्स इनटू फीमोरल वेन, पसंद नहीं? ये डायरेक्टली इसमें ओपन कर, ये ब्रांच है आर्टरी से, लेकिन ये जो है ये वेन्स इसमें ओपन करेगी, ओपन इनिशियली इनटू ग्रेट सेफनेस वेन एंड ग्रेट सेफनेस वेन ओपन इनटू, तो ये यहां से ग्रेट सेफनेस वेन में जाएंगी और फिर इसके बाद फिर ये फीमोरल वेन में जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऐसे तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने जब थोड़ा सी रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था कि जब सुपीरियर बेना कैबा का कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो, इनकेस ऑफ सुपीरियर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर बेना कैबा, है ना, तो ब्लड फ्लो कहां से होता है? थोरेसिक वेन, है ना, थोरेसिक वेन एपिगैस्ट्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक वेन, थोरेसिक वेन यहां लैटरल थोरेसिक, ये थोरेसिक, ये इंटरनल थोरेसिक और लैटरल थोरेसिक, ये सब ये नीचे की वेन से एनास्टोमोस कर जाती है ना, ठीक है। इनकेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द सुपीरियर वेना केवा ब्लड फ्लो लाइक दिस, यहां से नीचे आता है ब्लड और फिर यहां से फीमोरल वेन के थ्रू ऊपर जाएगा, बस। अब ऐसे ही अगर इन्फीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लड यहां से
ये जो वेन है यहां की का नाम है थोरैको इपिगैस्ट्रिक वेन, थोरैको इपिगैस्ट्रिक वेन। तो ये चैनल बन जा रहा है इसके थ्रू सुप्रिय वेन कैवे बन जाएगा अगर इन्फीरियर वेना कैवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो, समझे? तो ये हो गया, दिस इज आर्टरियल सप्लाई है इपिगैस्ट्रिक वेन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका लिम्फैटिक ड्रेनेज है। लिम्फैटिक ड्रेनेज भी वाटर शेड लाइन को फॉलो करता है, इसलिए लिम्फैटिक ड्रेनेज अम्ब्लाइकस के लेवल का लिम्फैटिक ड्रेनेज इसके नीचे का कहां जाएगा? इट गोज इनटू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है ना? और इसके ऊपर का कहां जाएगा? कहा जाएगा? एक्जिलरी लिम्फ नोड। सो अबव द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस लिम्फैटिक्स गोज इनटू एक्जिलरी लिम्फ नोड एंड बिलो अम्ब्लाइकस लिम्फैटिक्स गोज इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। क्लियर? तो ये रहा, हमने देख लिया स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया की दोनों लेयर्स हमने देखी। सुपरफिशियल लेयर इज फैटी लेयर एंड डीप लेयर इज मेम्ब्रेनस लेयर। इनके अटैचमेंट देखे, इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देखा और इसके कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया देख लिया। नाउ डीप टू दिस देयर इज मसल ऑफ द एंटीरियर टर्न वॉल। लोग भी साथ में डायग्राम बनाते चले। In this diagram, this is GP sternum and this is fifth, this is fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th rib. And this is iliac crest. आपने hip bone अभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लिया है bone. तो इसमें iliac crest आप देखिएगा, ऊपर की margin जो है iliac crest है ना, उसमें देखिए वो skeleton में upper part iliac crest है ना? तो दिस इज इलियक क्रेस्ट, ऊपर की मार्जिन, ठीक है? और फिर यहां पर हियर इज पोजिशन ऑफ प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक बोन, ठीक है? एक्सटर्नल आप एंटीरियर एब्डोमिनल इज मेड अप ऑफ फोर लार्ज मसल एंड टू स्मॉल मसल। चार बड़ी मसल यहां है और दो छोटी मसल्स हैं। चार मसल्स में कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एंड रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना? और दो स्मॉल जो मसल्स हैं दैट इज पिरामिडलिस एंड क्रीमेस्टर। तो पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक, दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक। This muscle takes origin from 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 12th rib. Direction of the muscle fibers is directed downward, forward and medially. यहां से fibers जो निकलेंगे ये downward, forward and medially. This is direction of the muscle.
downward forward mobility. And the insertion of this muscle this is facy part of this muscle and this muscle is inserted and the anterior two-thirds of it. This is iliac crest. This is anterior two-thirds of outer lip of the iliac crest. Iliac crest आप देखेंगे margin जो iliac crest की है इसमें outer lip है inner lip है और बीच का इंटरमीडिएट एरिया ठीक है. सो दिस मसल इंसर्टेड ऑन आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट ठीक है. दिस इज फेसी पार्ट एंड दिस मसल हैज एपोनरोटिक पार्ट. दिस एपोनरोसिस इज इंसर्टेड ऑन दिस इज लीनिया एल्बा. It is inserted on linea alba. This is epileptic part which is inserted on the linea alba. In linea alba part. Okay? Inserted on pubic bone. This is pubic crest. And pectineal line of the pubis. So it is attached here. Aur sabse important thing jo aap bilkul nahi bhuliyega wo ye hai ki this is anterior superior iliac spine. This is pubic tubercle. It stretch between anterior superior iliac spine and pubic tubercle. ये दोनों के बीच में ऐसे आ रहा है और इसको देखें अगर फ्रंट से देखें तो ये ऐसे आ रहा है होल्ड में आ रहा है. And this is inguinal ligament. तो inguinal ligament is formed कौन बनाता है By external oblique epidurosis. External oblique muscle का epidurosis. So inguinal ligament is formed by epidurosis of external oblique muscle. ठीक है? ये है inguinal ligament. And this external oblique epidurosis, the lower part fold like this. ऐसे fold कर जा रहा है. And it attached directly with the anterior superior iliac spine and medially with the pubic tubercle. So inguinal ligament ka attachment kaha hai? Anterior superior iliac spine and pubic tubercle. Kisse banta hai? By aponeurosis of external oblique muscle. Aponeurosis of the external oblique muscle. Clear? और इसी में एक चीज और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये प्यूबिक बोन है जस्ट अबव दिस प्यूबिक बोन ट्रायंगुलर अपर्चर. ट्रायंगुलर अपर्चर दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या नाम है इसका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ठीक है. एक्चुअली यहां कोई गैप नहीं ऐसा हमें रिंग रिंग दिख रहा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना. इसका इंपॉर्टेंस है अभी आप कैनाल पढ़ेंगे हर्निया पढ़ेंगे तो हर्निएशन भी इसी के थ्रू होगा. ये वीक पॉइंट हो गया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में है ना. गैप हो गया वीक हो गया है ना. तो ये ऐसे जो अपर्चर है इसमें यहां पर जो अगर हम इसको मान लें कि यहां अपर्चर नहीं है ना और पीछे से कोई स्ट्रक्चर इसको पुश करता जाए है ना. ये वॉल है कोई इसको पुश करता जाए और यहां से बाहर आ जाए तो कोई स्ट्रक्चर यहां से पुश करके यहां बाहर आ गया हो तो ये पार्ट ऐसे फैल जाएगा है कि नहीं. ये इतना पार्ट जो ट्रायंगुलर एरिया में जितना है वो बाहर फैल गया है ना. ये बैग लाइन स्ट्रक्चर बना दिया है ना. दिस इज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया. ये जो ये यहां इसी का पार्ट जो ये बन गया है दिस इज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया. ठीक है. तो इट है ट्रायंगुलर गैप यार अपर्चर है ना. अपर्चर कैसे बन रहा है वो आपने समझ लिया. ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग.
क्लियर। अब चलिए हम दूसरी मसल, ये सबसे बाहर की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हो गई, देन अंदर मसल। अब जल्दी से फिर डायग्राम पर आइए, क्यूबिक बोन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन्स इनगोइनल लिगामेंट। ये है सेवन, ये है ट्वेल्व। अंदर मसल इंटरनल ऑब्लिक, डायरेक्शन इसका है डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली। इसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट होगा इसके, ऐसे होगा, है ना। नीचे से मसल ओरिजिन ले गई, इट दिस मसल इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम यहां से यहां तक, एक है थोरैको लंबर फेसिया, इसका नाम है थोरैको लंबर, दिस इज थोरैको लंबर फेसिया, और ये है इनगोइनल लिगामेंट, ये इलियक क्रेस्ट का यह एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट, सुपरफिशियल आउटर लिप से ओरिजिन अटैच किया था, आउटर लिप में इंसर्ट किया था, है ना। और ये इसके बाद हुई आउटर लिप के बाद इंटरमीडिएट एरिया, है ना। तो इंटरमीडिएट एरिया ऑफ दिस इलियक क्रेस्ट, ये इलियक क्रेस्ट की इंटरमीडिएट एरिया से अटैच है, यहां से ओरिजिन लिया, एंड ये इंग्वाइनल लिगामेंट यहां से यहां है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, और इस इंग्वाइनल लिगामेंट को अगर थ्री पार्ट से डिवाइड कर दे तो ये लैटरल टू थर्ड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, यहां से मसल ओरिजिन ले रही है। सो दिस मसल टेक्स ओरिजिन फ्रॉम लैटरल टू थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इलियक क्रेस्ट एंड थोरैको लंबर फेशिया, तीन जगह से ओरिजिन ले रही है, थोरैको लंबर फेशिया, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड लैटरल टू थर्ड यहां से ओरिजिन ले रही है। और ओरिजिन फिर इसके बाद फिर इसके मसल के फाइबर्स क्या है, डायरेक्टेड अपवर्ड, लेकिन यहां पर एक चीज ये दिख रहा है कि इसका अटैचमेंट कुछ ऐसे है, दिस इज फेसी पार्ट, दिस फेसी पार्ट अटैच टू, देखिए यहां से ओरिजिन लेकर के ये रिप्स में अटैच हो रहा है, ये अटैच टू लोअर थ्री आर फोर रिप्स, एग्री। इसके बाद एपिजोटिक हो जा रहा है, अब यहां से यहां तक देखिए दिस एपिजोटिक पार्ट इंसर्टेड ऑन, ये एपोजोसिस है, ये इंसर्ट कहां कर रही है, ये है इन रिप्स में कर रही है, सेवंथ एट रिप्स में, जेफी स्टर्नम लीनिया एल्बा, है ना, और फिर यहां से आ रही है क्यूबिक बोन, दिस इज एबलापन, सो दिस इज फेसी पार्ट, दिस इज एपोजोटिक पार्ट, है ना, इंटरनल। इस इंटरनल ऑब्लिक में एक चीज जो एपिजोटिक पार्ट है आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एपिजोटिक पार्ट सीधे यहां इंसर्ट नहीं कर रहा है, बिफोर इंसर्शन इट स्प्लिट इनटू टू लेयर्स, इट फॉर्म एंटीरियर लेमाइना एंड पोस्टीरियर लेमाइना, ऐसे स्प्लिट कर जाएगा, और इसके बीच में एक मसल होगी दैट इज रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना, एक रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगी, ये इसको इंसर्ट घेर लेता है ना, ये दो लेमाइना में डिवाइड कर जाएगा, एंटीरियर लेमाइना एंड पोस्टीरियर लेमाइना, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर लेमाइना है वो देखिए तो सिर्फ यहां तक होगा, पीछे पूरा कवर करेगा ऊपर, लेकिन सिर्फ यहां तक होगा पोस्टीरियर लेमाइना मसल के पीछे, रेक्टस एब्डोमिनल मसल के पीछे, और ये इस लाइन को बोलते हैं आर्कुएट लाइन, इस लाइन को आप देखने की कोशिश कीजिएगा जैसे करने के समय, इस आर्कुएट लाइन, है ना,
तो ये मसल हो गई इंटरनल ऑब्लिक. नाउ ट्रांसवर्सल सेंट्रल ऑब्लिक. सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. Abdominis muscle, it takes origin from this is thoracolumbar fascia. यह है thoracolumbar fascia. जैसे और जगह यहां देखा हमने thoracolumbar fascia से origin ले रही है thoracolumbar fascia. And अब कौन से layer आएगी? Anterior two third of inner lip. Iliac crest की कौन सी lip है? Inner lip. सबसे बाहर आपने देखा आउटर लिप, इसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरमीडिएट एरिया से इंटरनल ऑब्लिक, सबसे अंदर की दिस इज इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड ये टू थर्ड ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. यहां से ओरिजिन मसल लेगी और फिर हम इंग्वाइन लिगामेंट को तीन में डिवाइड कर दे रहे हैं. इंटरनल आपने कहां से ओरिजिन लिया था? लैटरल टू थर्ड से. और ट्रांसवर्सस एब्डोमिस ओरिजिन लेने जा रही है लैटरल वन थर्ड से. यहां से ओरिजिन. और ये फाइबर्स कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, ट्रांसवर्सस है ना, तो ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. और इसके अलावा कहां से है? ये रिब से भी है, अपर पार्ट. ठीक है, अब इस मसल में देखें ये ऐसे. दिस इज फेसी पार्ट. This is fleshy part and this part is epiglottic part. Epiglottic part is attached with the किससे अटैच है? डिफिस्टर्नम लीनिया एल्बा. ऐसे तो है ना. दिस इज epiglottic part. ये अटैच ही है. इसमें भी वही एक लाइन बना, इसके डीप में है. हालांकि इसमें ये लाइन बन नहीं रही है, मैं इसके इसलिए लाइन से बना रहा हूं कि यहां से इस लाइन के नीचे नीचे वाला पार्ट. इसमें ये जो नीचे का पार्ट है, इसके दो पार्ट बन जा रहे हैं. बस इतना जानते रहिए, ये पार्ट दोनों मिलकर के एक टेंडन बनाते हैं, है ना. दैट इज नोन एज कंजॉइंट टेंडन. ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलकर बनाते हैं कंजॉइंट टेंडन. बस आप आज नाम जानते रहिए, कल हम डिटेल में सुन सकते हैं रेक्टस सीथ के साथ में, है ना. इस कंजॉइंट टेंडन ये है, ये दोनों एक साथ में जब लग जाते हैं तो बनाते हैं कंजॉइंट टेंडन. ठीक है, ये लोअर पार्ट. तो ये मसल, दिस मसल इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल. अब इसके बाद कौन सी मसल है? नेक्स्ट मसल रेक्टस एब्डोमिनिस. रेक्टस मींस स्ट्रेट, है ना. एब्डोमिनिस एब्डोमिन, एब्डोमिन की ऐसी मसल जो सीधे हो, स्ट्रेट हो, है ना. तो इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम दिस इज प्यूबिक क्रेस्ट. ये प्यूबिक क्रेस्ट से है. दिस इज लैटर, यहां पर लैटर पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट. दिस इज मीडियल पार्ट. यहीं पर एंटीरियर आर्कुएट लिगामेंट भी है. एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट, सॉरी एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट, एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट. तो लैटर पार्ट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट. यहां से ओरिजिन लिया
एंड इंसर्टेड ऑन, ये हो गया सेवन, ऊपर की रिब से सिक्स एंड फिफ्थ रिब तक जाता है एंड मीडियल पार्ट पे इसको लिखा हूं, मीडियल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट एंड एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट, यहां पर एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट है इससे बढ़ती है। डायरेक्शन ऑफ फाइबर अपवर्ड, डायरेक्टली अपवर्ड, दिस इज लेवल ऑफ थंब लाइन, है ना। तो यहां से ओरिजिन लिया, प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिन लिया, फिर इंसर्ट कर रहा है फिफ्थ सिक्स सेवन कास्टल कार्टिलेज, ठीक है, एंड ये पीस टर्न है, इट इज डिवाइड टू सेवरल स्मार्ट थ्री आर फोर स्मार्ट पार्ट्स बाई ट्रांसवर्स डिजिटेशन, ये ट्रांसफर डिजिटेशन ये ऐसे डिवाइड कर जाता है। इसका इम्ब्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना, ये सोल इट डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट से डेवलप करती है ना, वो जुड़ जाते हैं, तो ये ऐसे डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस। इसी डायग्राम में एक और बना लेते हैं, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। दी आर फोर लार्ज मसल्स, चार लार्ज मसल्स हैं और दो स्मॉल मसल्स, दो छोटी मसल्स कौन से हैं, पिरामिडल्स, पिरामिडल्स टेक ओरिजिन फ्रॉम यहां प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिन ले रही है और ये ट्रायंगुलर मसल ऐसे, दिस इज ट्रायंगुलर, सो इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम प्यूबिक क्रेस्ट एंड इंसर्टेड ऑन लीनिया एल्बा, ये लीनिया एल्बा पर इंसर्ट कर रही है, ये लीनिया एल्बा है जिसकी लाइन जो है पिरामिडलिस, पिरामिड जैसी है इसलिए पिरामिडलिस, इस पिरामिडलिस। इसका नाम एक और भी है, दिस टेंसर ऑफ दी, है ना, टेंसर ऑफ दी लीनियर एल्बा, ये लीनियर एल्बा में लगता है इस टेंसर की तरह काम कर रही है ना, नीचे से पुल किया इसने, दिस टेंसर ऑफ द लीनियर एल्बा, ठीक है। तो ये हो गया पिरामिडलिस, पिरामिडलिस ये मसल समझ में आ रही है, छोटी वाली दिख रही सबको, नहीं दिखी पीछे तक, तो ये पिरामिडलिस से दोनों साइड की ऐसे होगी, दूसरे साइड की ऐसे ये भी होगी, दूसरे साइड की होगी, ये यहां पर पिरामिडलिस इधर होगी, पिरामिडलिस, ठीक है। अंदर मसल प्रीमेस्टर मसल, दिस मसल इज पिरामिडलिस, अंदर मसल इज प्रीमेस्टर, प्रीमेस्टर मसल, दिस मसल टेक्स ओरिजिन फ्रॉम इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन ले रही है एंड इज फॉर्म्ड बाय सम फाइबर्स ऑफ, देखिए इंग्वाइनल लिगामेंट ये है, इंग्वाइनल लिगामेंट से किस मसल ने ओरिजिन लिया है, यहां पर इंटरनल ऑब्लिक ने, यहां पर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस से, है ना, तो कुछ फाइबर्स इंटरनल ऑब्लिक के, कुछ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के और कुछ इससे हट के, है ना, तो थोड़े थोड़े फाइबर्स ये यहां, अगर इंग्वाइनल लिगामेंट से कोई ओरिजिन ले रहा है तो ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, तो यहां से मसल ओरिजिन ले रही है इसको, दूसरी तरफ यहां, तो यहां पर लेटर टू थर्ड में यहीं पर इंटरनल ऑब्लिक भी है और वन थर्ड में ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, कुछ इसके फाइबर्स यहां, हियर इज पोजीशन ऑफ, दिस इज पोजीशन ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये कुछ फाइबर्स ऐसे आते हैं पासेस थ्रू दिस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, है ना, यहां से फिर चले जाते हैं ये प्यूबिक क्रेस्ट पे, एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट, और ये मसल फाइबर ऐसे मसल बंडल बने, अब बहुत बढ़िया इसका जब डिसेक्शन करेंगे आप देखिएगा, है ना, क्रिमेस्टिक मसल को, तो मसल बंडल्स आपको दिखेगी और ये फेसिया है, ये फेसिया में एम्बेडेड, दिस इज क्रिमेस्टिक फेसिया, इसी फेसिया में आप देखेंगे मसल फाइबर्स, ये फेसिया होगी, ये मसल फाइबर्स बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेंगे, ये मसल यहां से मसल फाइबर क्रिमेस्टिक फेसिया, नर्व सप्लाई ऑफ दिस फेसिया, सॉरी नर्व सप्लाई ऑफ दिस मसल क्रिमेस्टिक मसल, जेनाइटो फिमोरल नर्व,
जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फ्यूमरल नर्व गिव सप्लाई टू जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फ्यूमरल नर्व जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फ्यूमरल नर्व जेनाइटो फ्यूमरल ठीक है। इसी जेनाइटल फ्यूमरल की एक ब्रांच और होती है, इसके नाम से लगता है कि इसके दो पार्ट है, वन पार्ट इज जेनाइटल अदर पार्ट इज फ्यूमरल है ना। इसी की एक ब्रांच होती है फ्यूमरल ब्रांच। फ्यूमरल ब्रांच कहां जा रही है? अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ द थाई, थाई में यहां पर जा रही है ना। इसके लिए क्रेमेस्ट बच्चों में खासतौर से देखते हैं क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स के लिए, क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स के लिए अगर इस पार्ट को थपथपाइए, स्ट्रोकिंग कीजिए इस पार्ट को है, तो क्या होगा? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेस्टिस यहां इसी के अंदर टेस्टिस भी है, ये ऐसे निकल जाएगा है ना। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे करेगा, दिस इज क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स ठीक है। तो ये क्रेमेस्टिक मसल है। और बाकी जो सारी मसल्स हैं वो किससे सप्लाइड होंगी? जो नर्व यहां की जा रही थी, नर्व पहले वाले डायग्राम में क्या था? T7, T8, T9, T10, T11, T12 सब कास्टर और L1 इलियो हाइपोगास्टिक एंड इलियो इंग्वाइनल, तो सारी की सारी जो है ये सबको सब सप्लाई करेंगे, ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय दीज नर्व्स ठीक है। एक्शन ऑफ दीज मसल्स, एक तो आप देखिए ये है प्लास्टिक फेशिया बना रही है, और बाकी जो है इसका एक्शन क्या होगा? ये इट काज फ्लेक्शन और लेटरल साइड के मसल, जो लेटरल साइड में ये वाली मसल्स है ना, ये लेटरल फ्लेक्शन कराएंगी। और बाकी सपोर्ट द एब्डोमिनल कंटेंट्स, एब्डोमिनल विसरा ठीक है। और इसके अलावा भी आप अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल हाथी करते हैं है ना, कहने का मतलब जो रेस्पिरेटरी फोर्सफुल रेस्पिरेटरी मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्पफुल है, क्योंकि ये रिप्स को पुल कर देते हैं नीचे ठीक है। इसके अलावा कफिंग स्नीजिंग इन सब में जो एक्सप्लोजिव एक्शन है सब में हेल्प करती है सारी मसल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, स्किन सुपरफिशियल फेशिया एंड मसल्स। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टस शीथ और इंग्वाइनल कैनाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है।